हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं INDMoney मनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप INDMoney मनी मोबाइल एप्लीकेशन में आपका अकाउंट खुला हुआ है और यहां पर आप चेक करना चाहते हैं IPO डिटेल्स, ठीक है, तो कि अभी कौन सा IPO चल रहा है और अपकमिंग IPO कौन सा, अभी रिसेंटली क्लोज कौन सा हुआ है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था कि जो INDMoney था उसमें आप US स्टॉक्स में ट्रेड कर पाते थे, मतलब US स्टॉक जितने भी थे उनको आप बाई कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि INDMoney स्टॉक्स भी ऑप्शन इन्होंने ला दिया है, जिससे कि आप यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंडियन मार्केट में जो IPO आते हैं उनमें भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो जो पहला ऑप्शन है वो INDMoney स्टॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप कोई भी शेयर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शेयर बाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो INDMoney स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पर IPO का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको IPO पर क्लिक कर देना है। IPO पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला दिया हुआ है ऑनगोइंग IPO, दूसरा दिया हुआ है अपकमिंग IPO, तीसरा दिया हुआ है क्लोज्ड IPO। तो जो भी IPO क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको देखने जाएंगे। ठीक है, और जो अपकमिंग IPO हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो देख सकते हैं कि ये अपकमिंग IPO है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का। ठीक है, और यहाँ पर ऑनगोइंग IPO जो भी है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी कौन सा है, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, जिसका प्राइस रेंज कितना है 218 से 230 के बीच में, और अप्लाई डेट क्या है 19 जनवरी से 23 जनवरी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,950 का, और इशू साइज है 640 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लॉट डालना पड़ेगा आपको, एक लॉट में 65 क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक लॉट हो गया तो एक लॉट में आपको कितना रुपये 14,950 देना पड़ेगा। अगर दो लॉट कर देंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका उसी अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे सकते हैं तीन लॉट कर दिया, चार लॉट कर दिया, जितना भी लॉट करेंगे तो उतना ही आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। और जैसे कि एक लॉट कर दिया, अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना होगा कि अपना UPI लिंक करना होगा, जिससे कि अगर आपको यहाँ पर ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का जो IPO है, जो शेयर हैं, अगर आपको मिलते हैं, अलॉट होते हैं, तो यहाँ से आपका जो रुपये है वो 14,950 रुपये वो आपका काट लिया जाएगा, और जब तक नहीं मिलता है जब तक आपका होल्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और अप्लाई नाउ पर नीचे क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पर IPO के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर INDMoney में शेयर ट्रेड करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।